हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू का चिप्स बनाने का सबसे आसान और सिंपल रेसिपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं इतने बड़े साइज़ का आलू को ले ली हूँ। चिप्स बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का आलू ले ताकि आपको काटने में सुविधा पड़ेगा, और मैं आपको काट कर दिखाऊँगी और बनाकर पूरी रेसिपी दिखाऊँगी। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। दोस्तों, अगर पतले पतले साइज़ के आप आलू को काटते हो तो ये सूखने में आसानी होता है। एक दिन में ये सूख जाता है, जिससे इसमें काला नहीं पड़ता है। मोटा भी आप काट सकते हो, मगर सूखने में 2-3 दिन टाइम लग जाता है। दोस्तों, आलू को काटने के बाद हमें तुरंत धोना है, या फिर काटते हुए भी आप पानी में डालते जाओ आलू को तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना इसमें देखिए दागी पड़ जाता है। तो आलू का चिप्स हमारा वाइट कलर का नहीं होता है। इसको 2 से 3 पानी में धोना है। देखिए, इस तरीके का झाग छोड़ा जाए, जब तक पानी का पूरा पानी कलर नहीं होता तब तक हमें इसे धोते रहना है। कम से कम 3 पानी आपको ज़रूर धोना है। देखिए, मैं इसे धोऊँगी और फिर दूसरे बर्तन में इसे इस तरीके से अच्छे से आपको आलू को धो लेना है। हमारा पानी गर्म हो चुका है। अगर आप किसी बर्तन में सिझाते हो तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लगता है, पर जब आप कुकर में सिझाओगे तो ये 10 मिनट में हो जाता है। 2 से 4 सीटी आने पे इसे उतार देना है। आलू हमारा सिझ चुका है। अब मैं कुकर को खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, अच्छे से सिझ चुका है। अब इसे मैं सूप में निकाल लूँगी ताकि इसका जितना भी पानी है वो अच्छे से गिर जाए। देखिए दोस्तों, अच्छे से धूप आ चुका है। अब मैं इसे एक एक करके इसमें सूखने के लिए दूंगी। देखिए दोस्तों, अब ये एक दिन में सूख जाएगा, क्योंकि अभी इतना कड़ा धूप और इतना हवा है कि एक दिन में ये सूख जाएगा। अब सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, हमारा आलू का चिप्स कितना बढ़िया सूख गया है। देखिए देखिए, इस तरीके से आवाज़ दे रहा है। अब मैं इसे आपको छान कर दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, कितने मस्त बने। आप इसे डब्बे में पैक करके आराम से रख दीजिए और साल भर आप छान छान के खाते रहिए। एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बना कर दिखाया, तो आप भी इस तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आलू के चिप्स को डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया ये हमारा फूल रहा है, कितना अच्छा क्रिस्पी बन रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा कितना मस्त हमारा आलू का चिप्स बन के तैयार हुआ। देखिए कितना क्रिस्पी है ये और कितना वाइट कलर का हुआ है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइए। अगर आप एक्स्ट्रा इसमें टेस्ट लाना चाहते हैं तो आप इसमें नमक और मसाला डाल के खा सकते हो। जैसे कि देखिए, ये हमारा चाट मसाला है। थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डालेंगे। यह है ना कितना आसान रेसिपी ये आलू का चिप्स बनाना। दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में बहुत ही आसान रेसिपी से आलू का चिप्स बना सकते हो, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अमेजिंग तरीके से। देखिए कितना क्रिस्पी बना और कितना टेस्टी बना, एकदम वाइट।